ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। हमारे पहला क्वेश्चन है आज का कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है ओजोन यूवी बुलेटिन। यूवी बुलेटिन ओजोन यूवी का किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज WMO, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो इन्होंने रीइंट्रोड्यूस करा है ओजोन यूवी बुलेटिन को। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी स्टेट यूटी जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, इकमरा प्रोजेक्ट के साथ। ओके, इकमरा प्रोजेक्ट जो है उसके साथ कौन सी स्टेट या यूटी एसोसिएट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। क्या आंसर है? उड़ीसा। अब उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर पहले क्या नाम है उनका, नवीन पटनायक। ओके, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है ये 280 करोड़ का इकमरा प्रोजेक्ट, जिसका मकसद क्या है कि 11th सेंचुरी का जो लिंग राजा टेम्पल है कहाँ पे, भुवनेश्वर में, उसके जो सराउंडिंग में है वहाँ पर एनहेंस किया जाए। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि फ्रांस ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करा है, किसके लिए, फास्ट ट्रैक ट्रांजिशंस के लिए टू क्लीन एनर्जी। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएई। ओके, यूएई के साथ मतलब फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ज्वाइनली स्टार्ट करा है क्या, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ NESL ने लॉन्च करा है एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेब। ओके, अंडर प्रोजेक्ट वेब, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन बैंक के साथ। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। तो इंडियन बैंक जो है वो पार्टनरशिप में आया है नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड सर्विस लिमिटेड के साथ, जिसे शॉर्ट में NESL बोला जाता है। तो अब इन्होंने रोल आउट करा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस अंडर प्रोजेक्ट वेब। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है स्टार्टअप 20 शिखर सबमिट। क्या? स्टार्टअप 20 शिखर सबमिट, तो इसका जो आंसर है दैट इज गुड़गांव। कौन सा करने वाले? गुड़गांव। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करने वाली है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ओके, तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है नेशनल यूनाइटेड नेशंस की, तो कौन सी सिटीज को होस्ट करने वाली है, तो दैट इज न्यूयॉर्क। क्या आंसर है? न्यूयॉर्क। ऑलराइट, चलिए अब जुलाई 10 से लेकर 14 के बीच में भाई ये मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाएगी, बट आपको इसके बीच में इतना गुस्से की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी कंट्री जो है वो अब 3 बिलियन स्टैंड अप एग्रीमेंट पे पहुंच गई है, किसके साथ, IMF के साथ, तो इसका जो आंसर है दैट इज पाकिस्तान। क्या आंसर है? पाकिस्तान। अब IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान रीच ए स्टॉफ लेवल एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंगली $3 बिलियन जो है दैट वॉज स्टैंड बाय एग्रीमेंट। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन दैट इज कि कौन सी स्टेट या यूटी होस्ट करने वाली है विद्सा प्रोग्राम, ताकि अपने आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर को स्प्रेड किया जाए, तो कौन सी स्टेट या यूटी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्या आंसर है? जम्मू एंड कश्मीर। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, NCC ने किस बैंक के साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करा है, ताकि जितने भी कैडेट्स हैं उनका अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सके। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट करवाया हुआ है, इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए आपको बता ही दूँ दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, NCC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक माउस साइन करा है जिसके अंडर जीरो बैंक बैलेंस जो है वो अकाउंट ओपन होगा सभी NCC कैडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंगली इंडिया का क्या रैंक है किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन में, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी वीडियो कैसा लगा हिट इन द कमेंट सेक्शन, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।